रोहन तिवारी, आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठ शाला में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मूविंग क्वाइल या सस्पेंडेड क्वाइल या डी आर्सोनोबल टाइप गैल्वेनोमीटर। मोस्ट कॉमन नाम है इसका मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जिसके सहारे किसी भी सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और सुटेबल चेंजिंग करके हम उसमें को उसके सहारे करंट को मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है क्या? ये एक मेजरिंग डिवाइस है जिसके सहारे हम लोग करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसका प्रिंसिपल क्या? हर डिवाइस का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि करेंट कैरिंग क्वाइल को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। करेंट कैरिंग क्वाइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस जो होता है वो कितना होता है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, NIAB साइन फाइ। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बतला दें। ये टॉर्शनल हेड है, ये जो टी है ये टॉर्शनल हेड है जिसके सहारे हम लोग क्वाइल को लटका करके रखते हैं। क्वाइल का जो दूसरा किनारा होता है उसको हेलिकल स्प्रिंग के सहारे जोड़ते हैं और वो फिर दूसरे एंड से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये पूरा इवेक्यूएटेड ग्लास चैम्बर होता है, इसमें किसी तरह से कोई भी बाहर से कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं ये फॉस्फर ब्रॉन्च का वायर यूज करते हैं या क्वार्ट्ज फाइबर का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सस्पेंशन वायर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती है। पहला, इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होना चाहिए। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। टाइम डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाना बंद कर देते तो कितने देर में ये अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आता है, तो ये इसका कम होता है। इसका टॉर्शनल रिजिडिटी कम होता है। ठीक है, और ये जो है सस्पेंशन वायर के बीच में एक मिरर लगा हुआ है जिसके सहारे हम लोग रीडिंग लेते हैं, पता करते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दिए हुए नॉर्थ और साउथ से, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है क्वाइल कैसे भी टर्न करता चला जाए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके प्लेन परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा? NIAB साइन फाइ लगेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसको वापस लाने वाला टॉर्क है वो कितना लगेगा? K अल्फा। K एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट कहेंगे, और अल्फा जो है वो एंगुलर ट्विस्ट बता रहा है, वायर का एंगुलर ट्विस्ट, वायर कितना ट्विस्ट कर रहा है। जब इक्विलिब्रियम होगा वैसी परिस्थिति में जो टॉर्क लग रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो दोनों बराबर हो जाता है। बराबर होगा तो I इक्वल टू K बाय NAB साइन फाई हो गया, अल्फा हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो फाई का वैल्यू 90 होता है और साइन 90 कितना हो जाता है? 1 होता है। साइन 90 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल टू K बाय NAB अल्फा, और आप बोल सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या जो जितना एंगुलर ट्विस्ट हो रहा है वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? करंट के। करंट अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो एंगुलर ट्विस्ट ज्यादा होगा, करंट कम फ्लो करेगा तो एंगुलर ट्विस्ट कम होगा। इसके बाद रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम आपको बता ही दी है, यहाँ समझाने के लिए ऐसा किए हुए हैं कि इस तरह से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके प्लेन परपेंडिकुलर का 90 डिग्री बनाएगा। मिरर का काम हम लोग क्या चीज में करते हैं? लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, यही है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। एक लैंप से लाइट जाता है, ठीक है, करंट पास नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सीधा आकर के लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, करंट अगर हम पास कराते हैं तो ट्विस्ट होता है तो कुछ एंगल से ट्विस्ट करेगा, उसी के अनुसार हम लोग पता कर लेंगे। पहले से हम लोग इसको कैलिब्रेट करके रखे रहते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि इतना अगर लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ आ रहा है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ आ रहा है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हम लोग पहले से कैलिब्रेट करके रखते हैं जिसके सहारे हम लोग पता कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि के बाय एन ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू जी अल्फा, ठीक है। मगर जब बोलना होगा तो बोलेंगे अल्फा ही डायरेक्टली ऑप्शन टू आई, ठीक है, क्योंकि एंगुलर ट्विस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, करेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसमें दो टर्म्स और आपको जानकारी होनी चाहिए, एक होता है करेंट सेंसिटिविटी और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करेंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितना एंगुलर ट्विस्ट होगा पर यूनिट करेंट, जब हम इस गैल्वेनोमीटर क्वाइल से करेंट पास कराएंगे तो कितना एंगुलर ट्विस्ट हो रहा है पर यूनिट करेंट, वो क्या कहलाता है, करेंट सेंसिटिविटी कहलाता है। तो इसी फॉर्मूला से जब हम निकालेंगे अल्फा बाय आई तो हमको मिलेगा एन ए बी बाय के। तो ये जो एन ए बी बाय के आया इसको बोलते हैं करेंट सेंसिटिविटी। उसी तरीके से आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, अल्फा बाय वी, वी होता है आई आर, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्फा बाय आई इंटू आर कर दिए तो एन ए बी बाय के आर आ गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब हुआ एंगुलर ट्विस्ट कितना होगा पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म आपको जानकारी होनी चाहिए, करेंट सेंसिटिविटी की और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी का। इसके बाद आता है कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं, कैसे हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस जी है, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है आईजी करेंट के लिए, आईजी द करेंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसके पैरेलल में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब हम स्मॉल रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाए एस, संट रेजिस्टेंस कहेंगे, ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो एमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो होगा आई जी इंटू जी। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग और क्या लिख सकते हैं, नीचे के टर्म में अगर रेजिस्टेंस एस है तो इधर करेंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। दोनों की इक्वेट कर देंगे तो हमको एस का पता चल जाएगा, एस हो गया संट रेजिस्टेंस। संट रेजिस्टेंस हो गया जो स्मॉल रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाए सो दैट कि वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाए और वो डिजायर्ड करेंट को मेजर कर सके। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर से हमको वोल्टमीटर बनाना है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम लोग क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा वोल्टमीटर बन जाता है। सपोज कीजिए इससे आईजी करेंट जा रहा है ना, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अगर हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, वो वी है, तो हम लिख सकते हैं वो वी होगा आईजी इंटू जी प्लस आईजी इंटू आर। सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू निकलेगा हमारा वी बाय आईजी माइनस जी, वी बाय आईजी माइनस जी, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये माइनस है। तो इन दोनों से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कितना संट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो पूरा अरेंजमेंट वोल्टमीटर बनेगा। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो वो अरेंजमेंट एमीटर बनेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए एमीटर और वोल्टमीटर का कंपैरिजन लाया हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। एमीटर जो है उसमें लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। संट रेजिस्टेंस पैरेलल में गया और आपको मालूम है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर का वो जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंटू एस, संट रेजिस्टेंस बाय जी प्लस एस होता है। और वहीं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जी प्लस आर हो जाता है, आर तो अपने आप में बड़ा है। संट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत स्मॉल वैल्यू का होता है। सीरीज रेजिस्टेंस बहुत हाई वैल्यू का होता है। एमीटर को हमेशा सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में नहीं लगाते, हम लोग कभी भी सीरीज में नहीं लगाते, उसको हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, मगर आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। और हम लोग एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर होता है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होता है। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है
वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ ए गिवन एमीटर। एमीटर के रेंज को हम लोग घटा नहीं सकते, मगर हम लोग आसानी से वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट समाप्त हुआ है। हम अगले दिन से मैग्नेटिज्म और मैटर जो है उस टॉपिक का वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखते रहे, समझते रहे, ठीक है। धन्यवाद।